Hello students, we are doing our lesson 7th, acid base and salts. Last video में हमने बात की थी acid के बारे में, उसकी important property, chemical और physical और uses of acid. इस video में हम बात करेंगे base, types of base, property and uses of base. ठीक है? तो देखिए acid क्या थे जो show होते हैं test में और base क्या होंगे हमारे जो bitter होते हैं नहीं कड़वे होते हैं वो क्या होंगे हमारे base. जो base होते हैं उनको टच करके भी आप फील कर सकते हो कि जिनका टेस्ट सॉरी जिनकी जो टच है सोपी हो यानी कि वो फिसलते हो तो वो क्या होंगे हमारे बेस. और लिटमस पेपर की मैंने आप बात की थी एसिड के केस में बेस के बारे में हम वहाँ हमने डिस्कस किया था कि बेस क्या करते हैं हमारे लेड जो रेड लिटमस है उसको किस में चेंज कर देते हैं ब्लू में और एसिड क्या करते हैं ब्लू लिटमस पेपर को किस में चेंज कर देते हैं रेड में. अब देखिए एक दूसरा पर्सपेक्टिव यूज कर सकते हो आप जब बेस ने रेड को ब्लू कर दिया उस ब्लू का आप यूज एसिड को डिटेक्ट करने के लिए कर सकते हो. जब एसिड ने ब्लू को रेड कर दिया तो उस रेड का आप यूज ब्लू यानी कि बेस को डिटेक्ट करने के लिए कर सकते हो. तो ये थे बेसिस की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी कि हम कैसे पता लगा सकते हैं कि भी कोई भी पर्टिकुलर सब्सटेंस है या सॉल्यूशन है हमारा बेस है या बेसिक है नेचर में. अब टाइप्स की बात करते हैं जो हमारे बेस होंगे वो टू टाइप्स यानी कि स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग कि वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है. जो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस कुछ जो बेसिस होंगे हमारे वो स्ट्रॉन्ग होते हैं और कुछ हमारे वीक होते हैं. स्ट्रॉन्ग बेस आपके सोडियम जो हाइड्रोक्साइड है और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है वो आपके स्ट्रॉन्ग बेस है और कुछ वीक बेसिस होंगे जिसमें आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड जिसका हम विंडो क्लीनिंग में यूज करते हैं वो है हमारे वीक बेस. अब देखिए बात करते हैं हम प्रॉपर्टीज की. प्रॉपर्टीज से पहले हम डिस्कस करेंगे कि जो बेस है हमारे वो वाटर में सोल्यूबल है या नहीं है. कुछ बेसिस क्या होते हैं हमारे वाटर में सोल्यूबल होते हैं. ए बेस विच कैन बी ना विच मे बी सोल्यूबल या विच सोल्यूबल इन वाटर इज कॉल्ड एल्कली यानी कि वो बेस जो वाटर में सोल्यूबल होंगे उनको बोलेंगे एल्कली. देखिए जो सारे एल्कलीज हैं वो सोल्यूबल बेस होते हैं लेकिन सारे बेसिस हैं हमारे वो एल्कली नहीं होंगे. अब एक हम पीएच स्केल यूज करते हैं. पीएच मतलब पावर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन जिसे हम एसिड और बेस का पता लगा सकते हैं. ठीक है जी ये पीएच स्केल होता है इसमें 1 टू 14 मार्किंग होती है. इसमें आप एसिड को और बेस को और जो न्यूट्रल सब्सटेंसेस हैं ना कि यानी कि ना वो एसिड है और ना ही वो बेस है उनको डिटेक्ट कर सकते हो. जो एसिड होते हैं हमारे जनरली उनकी पीएच कितनी होती है लेस देन 7 और बेस की मोर देन 7 और जिनके पीएच 7 होते हैं वो क्या होंगे हमारे न्यूट्रल यानी कि एसिड की पीएच कितनी होगी आपकी 7 से कम और बेस की 7 से ज्यादा. लेकिन जिन सब्सटेंसेस जिस सॉल्यूशन की पीएच 7 है वो क्या होंगे हमारे न्यूट्रल सब्सटेंसेस या न्यूट्रल सॉल्यूशन बोल सकते हो. ठीक है अब ये थे बात पीएच स्केल की. अब डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज के बारे में. प्रॉपर्टी फिजिकल यानी कि हाइड्रोक्साइड होते हैं मेटल्स के यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड मेटल के हाइड्रोक्साइड्स होते हैं. बीटर होते हैं टेस्ट में यानी कि कड़वे एसिड खट्टे होंगे और बेस क्या होंगे हमारे कड़वे. ठीक है रेड लिटमस को किस में चेंज कर देते हैं ब्लू में और सोपी यानी कि जो स्मूथ होते हैं टच करने में और एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे साल्ट बनाने में. देखिए कुछ हम कॉमन बात कर लेते हैं बेसिस की कि बेस एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं साल्ट बनाने के लिए. तो कुछ आप एसिड का बेस का कोई जनरल कॉम्बिनेशन की एसिड बेस ने एसिड का इफेक्ट कैंसिल कर दिया आप डेली लाइफ में भी ऑब्जर्व कर सकते हो. जैसे स्टमक है कई बार क्या होता है कि ना हमारे ऐसे कहते हैं ना एसिडिटी बढ़ गई तो एसिडिटी बढ़ जाती है उस केस में उस एसिडिटी को कम करने के लिए हम क्या यूज करते हैं बेस. बेस में हम मेनली लेते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है जो एसिड का कंसंट्रेशन बढ़ गया आपके जो स्टमक में उसके इफेक्ट को कैंसिल कर देता है. बेस का काम ही क्या है कि एसिड के इफेक्ट को कैंसिल करना और एसिड का बेस के इफेक्ट को कैंसिल करना यानी कि एसिड और बेस एक दूसरे के इफेक्ट
साल्ट। तो इसलिए जो स्टमक में है एसिडिटी रिलीफ के लिए हम यूज करते हैं बेस मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, जो मतलब टैबलेट्स की फॉर्म में भी आता है। ठीक है, अब बात करेंगे हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बेस की। देखिए बेस है हमारे एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे, साल्ट प्लस वाटर। अब बेस लेते हैं हम, ये क्या है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, किसके साथ रिएक्ट किया, ये क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस और एसिड क्या है इसमें हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl। तो क्या बनाया इन्होंने, अमोनियम क्लोराइड प्लस में वाटर, ये साल्ट बनाया हमने। ठीक है, अब जो हमारा फेरस ऑक्साइड है उसने किसके साथ रिएक्ट किया, नाइट्रिक एसिड के साथ। तो क्या बनाया हमारा फेरस नाइट्रेट साल्ट प्लस 3 मॉलिक्यूल्स बनाए हमारे वाटर के। देखिए यहाँ पे मेंशन है दैट मींस ओनली 1 मॉलिक्यूल है वाटर का, यहाँ पे 3 मेंशन, 3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ वाटर के 3 मॉलिक्यूल बन रहे हैं और 1 मॉलिक्यूल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ओनली H2O। ठीक है, तो ये थी बात हमारी एसिड के साथ बेस की रिएक्शंस की, यानी कि एसिड के साथ बेस रिएक्ट करेंगे तब वो सोल्ट प्लस हमें वाटर देंगे। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोल सकते हो कि जिसमें एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके साल्ट बनाते हैं आपके। अब बात करते हैं हम यूजेस की कि जो बेस है हम उनका यूज कहाँ होता है हमारी डेली लाइफ में। देखिए जो बेसिस है वो लार्ज स्केल पे यूज किए जाते हैं, जिसमें आप सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए, जो हमारे साबुन है डिटर्जेंट है उनको बनाने में सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज कहाँ होगा, जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं ना वो क्या करते हैं, जो अपना वेस्ट मटेरियल है वो रिवर्स में क्या करते हैं थ्रो करते हैं, तो वहाँ की जो एक्वेटिक लाइफ है वो अफेक्ट होती है, वहाँ तक उनकी ऑक्सीजन सलाइन नहीं पहुँच पाती है, जो एसिड है मतलब वो क्या करते हैं उनकी जो बॉडी में जाके मतलब एक्यूमुलेशन होने की वजह से उनकी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको अफेक्ट करते हैं, कोरोड कर सकते हैं वो उनके जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको चॉक कर सकते हैं और एयर नहीं पहुंच पाती। तो ऐसे में क्या करते हैं उस वेस्ट वाटर में क्या डालते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, जो एसिड रिलीज हुए फैक्ट्री से उनके इफेक्ट को कैंसिल कर देगा। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड की। अमोनियम हाइड्रोक्साइड हमारा कहाँ यूज होता है, जो विंडो क्लीनर है, जो आपके फर्टिलाइजर ग्रो में यूज करते हैं, जो आपके नाइलॉन के जो सिंथेटिक फाइबर है उनकी मैन्युफैक्चरिंग में हम यूज करते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, और जो घरों में हम वॉशिंग सोडा यूज करते हैं उसमें हमारा कौन सा बेस होता है, सोडियम कार्बोनेट, और जो बेकिंग के लिए यूज करते हैं बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, ये भी क्या है हमारा बेस है। और देखिए मिल्क ऑफ मैग्नीशियम यूज करते हैं एसिडिटी के रिलीफ के लिए। ठीक है, और जो बेस होते हैं उनको हम एंट एसिड भी बोलते हैं क्योंकि वो एसिड के खिलाफ क्या कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं, यानी कि एसिड के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं एसिड के अगेंस्ट है, तो उनको बोलिए एंट एसिड। जैसे कि जो एंट है आपको स्टिंग करती है, ठीक है, स्टिंग करने के बाद वो कौन सा एसिड रिलीज करती है, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड रिलीज करके उस एसिड के इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए हम यूज करते हैं शोका या जिंक बाइकार्बोनेट, कैलेमाइन सॉल्यूशन होता है हमारा उसका यूज करते हैं वो, या बेकिंग सोडा, जो बेकिंग सोडा तो वो तो कहते हैं जनरली रब करो, उसके रब करने से क्या होगा, बेकिंग सोडा क्या हमारा बेस है और बेस क्या करता है एसिड के इफेक्ट कैंसिल कर देगी, यानी कि जो आंट ने आपकी बॉडी के अंदर एसिड रिलीज किया उसके इफेक्ट को कौन कैंसिल करेगा, आपका बेस यानी कैलेमाइन सॉल्यूशन ये जिंक कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक तो आपका वेस्ट वाटर में, उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज हम जो सोइल में सेल यानी कि एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, एसिडिटी हो जाती है, यानी कि जो व्हाइट कलर की हो जाती है ऊपर से जो लैंड होती है हमारे उसके इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए हम कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि स्लेक्ट लाइन का यूज करते हैं। और ये बेस है, बेस क्या करेगा एसिडिटी के इफेक्ट को कैंसिल कर देगा और वो आपकी जो लैंड है वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होगी। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक एसिड एंड बेसिस उनके इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ ए साल्ट। थैंक यू।